अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी इन एवरी बाइट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिंकल्स के बारे में, सैगी स्किन, सर्दियों में ड्राइनेस और बहुत सारे पैची स्किन पे हो जाना। इन सब मसाइल के हल के लिए आज हम एक मास्क बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे पहले हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है पोमीग्रेनेट पील पाउडर, यानी कि अनार के छिलकों का पाउडर। ये पाउडर मैंने घर पे बनाया था, खुद बनाया था। अनार के छिलकों को लिया, उसको उनको छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट करके धूप पे 2 से 3 दिन सुखाया, ग्राइंडर में ग्राइंड करके फिर छन्नी से छान लिया। तो इस तरह का बारीक पाउडर हमने लेना है। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा वो है ये रॉ मिल्क। रॉ मिल्क बहुत ही ज़बरदस्त क्लेंज़र होता है, नेचुरल क्लेंज़र है, वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल और एक स्पून ले लेंगे। तो अब हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे अनार के छिलके का पाउडर, ठीक है, अपने फेस के हिसाब से बना रहे हैं, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। ये ले लेंगे और इसमें रॉ मिल्क इतना ऐड करेंगे कि एक थिक सा फाइन सा पेस्ट बन जाए, ठीक है। ओके, रॉ मिल्क ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मास्क है जो कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगा। आप इसको वीक में 2 से 3 टाइम यूज़ करें, आपकी स्किन पे डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी। जो पोमीग्रेनेट पील पाउडर है इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, अनार को खाने के साथ साथ उसके छिलके के भी अल्लाह ताला ने बहुत फ़वाइद रखे हैं। इसको यूज़ करें और अपनी स्किन में डिफ्रेंस देखें। इंशाल्लाह होम रेमेडीज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम इन्हें कंटिन्यूसली यूज़ करें। तो इस तरह का ये देखें एक पेस्ट बन जाएगा। मैं इसको अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। सो, इसको अप्लाई करने से पहले हम कोई भी मिस्ट या रोज़ वाटर वगैरह ले लेंगे और उससे हमारी जो हैंड है उसको अच्छी तरह से, हैंड फेस जो भी जिस भी जगह पे हमने लगाना है उसको अच्छी तरह से हम हाइड्रेट कर लेंगे, ठीक है। हाइड्रेट करने के बाद हमने लेना है ये मास्क जो हमने बनाया है और इसे कर देना है अप्लाई, राइट। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद ये देखें ऐसे हमने एक थिन सी लेयर लगानी है और लेयर लगाने के बाद ये देखें हमने ऐसे थिन सी लेयर लगानी है, ठीक है। ये मेरी स्किन देख लें दोनों। थिन सी लेयर लगाने के बाद हम जो है इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। हल्का सा स्क्रब भी करेंगे पहले दिन, लेकिन डेली स्क्रब नहीं करना, वीक में 1 टाइम स्क्रब कर लें, ठीक है। हम इसे हल्का सा स्क्रब करके, बिल्कुल जेंटली स्क्रब करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। सो, मैं वॉश करके आ चुकी हूँ और स्किन में मैं तो डिफरेंस देख रही हूँ। आप भी यूज़ करके देखिएगा, आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। एक दफ़ा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। For more skincare videos, subscribe to my channel. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।